दुनिया में कोरोना से लड़ने के लिए वैक्सीन डेवलप करने का प्रयास चल रहा है। जहां अमेरिका से मॉडर्ना इंक के वैक्सीन के इंसानी ट्रायल में सफल होने की खबर है, वहीं ब्रिटेन में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जेनर इंस्टीट्यूट द्वारा बनाए गए वैक्सीन में कुछ बाधाएं सामने आई हैं। पहले पशु ट्रायल में उनके डेवलप किए गए CHADOX1 एंड COV19 वैक्सीन बंदरों के फेफड़ों के नुकसान को रोकने में प्रभावी था, लेकिन इस बीच उन बंदरों के कोरोना पॉजिटिव मिलने की खबर ने चिंता बढ़ा दी है। पहले ट्रायल में रिसस मकाऊ बंदरों पर अच्छे नतीजे मिलने के बाद इस वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल भी शुरू हो गया है। इस वैक्सीन को तैयार करने में चिंपांजी से मिले एडिनोवायरस CHADOX1 का इस्तेमाल किया जा रहा है। चिंता की बात यह है कि कम क्षमता के जिस एडिनोवायरस से ये वैक्सीन बनाया जा रहा है वे साधारण फ्लू को रोकने में सफल है, लेकिन कोरोना वायरस से संक्रमण में उतना प्रभावी नजर नहीं आ रहा। पहले टेस्ट में भी ये पाया गया था कि टीका लगाने के बाद भी वायरस एक्टिवली बंदरों के नाक में अपने आप को रेप्लिकेट कर रहा था। रिपोर्ट्स के अनुसार ये पता चला है कि अब जेनर इंस्टीट्यूट का कहना है कि सितंबर तक वैक्सीन तैयार कर ली जाएगी और ये एक सुरक्षित दवा साबित होगी।